गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग बच्चों। बोर्ड पर देखो ये निशान किसका है? कटाना। और ये क्या लिखा है? घटाना। तो आज सीखेंगे हम घटाना। कल हमने क्या सीखा था? जोड़ना। ठीक है, तो उंगलियों पर कैसे संख्याओं को घटाते हैं सीखते हैं। ये पहला सवाल है, ये क्या लिखा है? पांच। और ये क्या लिखा है? दो। बीच में निशान किसका है? घटाना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो सबसे बड़ी संख्या है उसको उंगलियों पर गिनेंगे। और हमने कल आपको बताया था अगर पांच तक की संख्या हो तो हम क्या करेंगे, इन खानों में नहीं गिनेंगे, केवल क्या करेंगे, उंगलियों से गिन लेंगे। ठीक है, तो पांच अंक हैं तो हम पांच उंगलियां हैं ये हमारी, एक दो तीन चार पांच। और हमें घटाना कितना है? दो। तो जो घटाना है वो उंगली हमने ऐसे मोड़ ली, एक और दो। तो कितने बच गए, कितने लिख रहे हैं? तीन। तीन कितने बच गए? तीन। तो पांच में से दो घटाएंगे तो कितना होगा? तीन। अगला सवाल है चार। चार। और चार में से घटाना कितना है? एक। तो हम पहले चार उंगलियां करते हैं ऊपर, एक दो तीन चार, और घटाना कितना है? तो एक उंगली हमने छुपा ली, अब कितने बच गए? तीन। चार में से एक घटाया तो कितने बचे? तीन। अब अगला सवाल, तीन में से कितना घटाना है? जीरो। और जीरो का मतलब क्या होता है? कुछ नहीं। कुछ नहीं, इसका मतलब क्या है? तीन में से अगर जीरो घटाएंगे तो हम कुछ नहीं घटाएंगे, और यहाँ कितना हो जाएगा? ठीक है, अगला सवाल देखिए, ये कितना है? दो। और दो में से कितना घटाना है? एक। तो हम पहले दो उंगली ऊपर करते हैं, दो है ना, एक और दो। और एक उंगली, सॉरी, एक नंबर हमें घटाना है तो एक उंगली को हमने ऐसे कर लिया, तो अब ये कितने बचे? एक। यहाँ क्या लिखेंगे? एक। ऐसे ही देखिए, ये कितने हैं? छह। और ये कितने हैं? तीन। तो हमें यहाँ छह में से तीन को घटाना है। तो अब हमारी जो हाथ की उंगलियां हैं वो कितनी होती हैं? पांच। लेकिन हमें घटाना छह में से है, पांच में से तो घटाना नहीं है, तो हमको छह घटाने के लिए क्या करना होगा बताओ? क्या गिनेंगे हम? बताओ, इनको हमने क्या बताया था? ये जो है क्या आने, आने। और क्या कहते हैं इनसे? गड़रे भी कहते हैं। तो हम इन गड़रे को या खाने, ये खाने गिनेंगे। ठीक है, एक दो तीन चार पाँच छः। तो दो उंगलियों के ये जो गड़रे हैं वो कितने हो गए? छः। क्योंकि एक उंगली में कितने होते हैं? तीन। तो अब हमें घटाना है छः में से तीन को, तो तीन गड़रे गिन लो या एक उंगली को घटा दो, कैसे? एक दो तीन। तो ये एक हमने छुपा ली, अब आपकी ये एक उंगली के कितने गड़रे बच गए? तीन। तो छह में से तीन गया तो कितना बचा? तीन। ठीक है, आगे देखिए, ये कितना है? आठ। और ये छह। तो हम आठ गिनेंगे पहले। ठीक है, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ। और यहाँ पर हमने पेन रखा है और आपको आठ में से कितना घटाना है देखो जरा, छः। तो आप यहीं से उल्टा गिनना शुरू कर दो, एक दो तीन चार पाँच छ, हो गया। तो छः आपने घटा दिए, अब आप गिनो बचे हुए, दो दो, एक दो दो। शाबाश,
कितने बच गए? दो। आगे देखिए ये कितना है? सात। और ये? पांच। तो हम कितने में से कितना घटाएंगे बताओ? पांच। नहीं, पांच घटाएंगे तो कितने में से घटाएंगे? पांच। सात। सात में से पांच घटाएंगे, ठीक है? तो पहले सात गिनते हैं, एक दो तीन चार पाँच छः सात, यहाँ पर हो गया सात। और सात में से पाँच घटाना है तो हम यहीं से उल्टा गिनना शुरू करेंगे पाँच तक, एक दो तीन चार पाँच। अब जो बच गया है वो गिन लीजिए, एक दो। कितने बचे? दो। तो सात में से पाँच गए, कितने बचे? दो। तो यहाँ लिख दिया हमने दो। अब देखिए ये कितना है? नौ। और ये? दो। तो नौ में से हमें क्या घटाना है? दो। नौ गिनते हैं उंगलियों पर, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ। ये तीन उंगलियों पे नौ खाने हो गए। और आपको नौ में से कितना घटाना है देख के बताओ? दो। दो। चलिए एक और दो, ये दो हो गए, इनको घटा दिया। दो को हमने क्या करा? घटा दिया, कम कर दिया। अब यहाँ से हम गिनना शुरू करेंगे, एक दो तीन चार पाँच छः सात। तो कितने बच गए? सात। ध्यान से देखो, सभी बच्चों को घटाना आ जाएगा। ऐसे ही जब मोबाइल के द्वारा आपका असेसमेंट टेस्ट होगा तब आप उंगलियों पे फटाफट घटाओगे या जोड़ोगे, ठीक है? आगे देखो ये कितना है? आठ। और आठ में से कितना घटाना है? चार। चार। तो पहले हम आठ गिनते हैं, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ। और यहीं से उल्टा जो हम घटाएंगे उसको गिनेंगे, एक दो तीन चार। अब जो बचा हुआ है उसको गिनना शुरू करेंगे, एक दो तीन चार। कितने बच गए? चार। ये कितना है? चार। और ये कितना है? जीरो। तो चार में से किसको घटाना है? जीरो। और जीरो का मतलब क्या होता है? तो फिर चार से जीरो को घटाया तो क्या बचा? चार। ये कितना है? पांच। ये कितना है? पांच। पांच में से क्या घटाएंगे? पांच। और पांच में से पांच को घटाया तो क्या बचा? जीरो। जीरो। कैसे? पहले हम पांच उंगलियां निकालते हैं, एक दो तीन चार पांच। अब हम पांच उंगलियों को काउंट करके फिर से क्या करेंगे? बंद करेंगे, घटाएंगे, कम करेंगे, एक दो तीन चार पांच। क्या बच गया? जीरो। कोई उंगली बची? कोई खाना बचा? तो क्या बच गया? जीरो। जीरो। तैयार हो गए हो? एक में से जीरो घटाएंगे तो क्या होगा? एक। ये कितने हैं? आठ। ये कितने हैं? आठ। आठ में से आठ घटाएंगे तो कितने बचेंगे? जीरो। जीरो। यानी आठ में से आठ चले गए, जितना है उतना पूरा चला गया, तो हो गया जीरो। आप उंगलियों पे भी देख लीजिए, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ। अब हम आठ माइनस करेंगे तो एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ। आगे कुछ है? नो, नो, नहीं है। और जब नहीं है तो हम क्या लिखते हैं? जीरो।